तमाम अरब मीडिया की टॉप स्टोरी बने 26 साल मोहम्मद बिन मुरसल का दिल गुदाज वाकया सुनिए। इस वाकया का आखिरी पहलू हम सब के लिए एक बड़ी रोशन मिसाल है। वाकया कुछ यूं है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल यमन बॉर्डर के साथ मुतसल सऊदी अरब के तारीखी शहर नजरान का रहने वाला था। मामूली सी तलखी के बायस उसके हाथ से उसके कजन का कत्ल हो गया, उसे जेल हो गई। जेल में एक अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मक्तूल के वर्सा दियत लेने या फीस बिलेला माफ करने का इख्तियार भी महफूज रखते थे। मोहम्मद मुरसल के कबीले आ रिजक के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मक्तूल के कबीला आल सनीज के सामने माफी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे तो दियत लें, वो चाहे तो माफ कर दें। ये दरखास्त रखने का अंदाज इतना मुनफरद था, इतनी आजी और फरियाद अपने अंदर समोए हुए था कि पूरे अरब मीडिया का ये टॉप स्टोरी बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े और बुजुर्ग सब मक्तूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मक्तूल के वर्सा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों, शेखों, जवानों और बच्चों ने अपनी अकाले चादरें, लंबे जुब्बे वगैरह उतार कर मक्तूल के वर्सा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली अशिया उतार कर मक्तूल की चौखट पर रख दी। अपनी चादरों से घुटनों को बांध कर जमीन पर लेट गए, अपने सरों पर मिट्टी डाली। शायरों ने माफी पर कसीदे पड़े। कातल के नन्हे बच्चे ने कुछ यूं माफी की सदा की, जिगर कट जाए। मुंह मांगी दियत की पेशकश की गई। ये देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि नौजवान को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने दियत के साथ साथ माफी का ऑप्शन भी तो रखा है। लेकिन मक्तूल के वर्सा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे आज से 3 दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। दोस्तों, ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मगफरत की दुआएं हो रही हैं, लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है, इसकी भी ताकत भरपूर देखने को मिली। यही वो पहलू है, वो कानून है जो सबके लिए बराबर है, और यही वो इंसाफ है जो हमारे लिए रोशन मिसाल है। हजरत अली करमुल्ला वजह ने फरमाया था कि दुनिया में वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं जिन मुआशरों में अदल का फुकदान हो जाता है। आज अगर हम अपने मुआशरे पर एक नज़र दौड़ाएं तो बखूबी समझ आ जाता है कि हमारे मुआशरे की तबाही का सबसे बड़ा सबब क्या है। في هذا المشهد يعود مصر لأحضان والده